सबसे पहले एक लूप बनाएंगे, उसके बाद फिंगर में ऊन को लपेटना है और धीरे धीरे छोड़ते हुए 8 टाइम चेन बनाना है। उसके बाद फिर नीचे वाले चेन में इसको डालकर बंद करना है। इसके बाद 3 स्टिप चेन बनाना है। पहला चेन बनाने से पहले 3 प्लेन चेन, उसके बाद 3 स्टिप चेन। 3 स्टिप चेन, पहला स्टिप, सेकंड और थर्ड, इस तरह से 12 टाइम करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एंड ट्वेल्व। अब इसको यहाँ से बंद करेंगे। प्लेन 3 चेन, उसके बाद एक पॉइंट पर 3 स्टिप चेन 3 बनाना। इसमें एक ही इसकी गिनती होगी, 2 और 3। इसके बाद फिर प्लेन चेन 3 बनाना है। इसके बाद फिर 1 2 3, 3 को छोड़कर चौथे में 3 स्टिप चेन। फिर 3 प्लेन चेन, उसके बाद फिर 1 2 3, 3 को छोड़ने के बाद चौथे में 3 स्टिप चेन। उसके बाद प्लेन चेन 3, फिर 3 को छोड़कर चौथे में 3 स्टिप चेन। उसके बाद फिर 3 प्लेन चेन, इसको इसमें मिलाना है। इसके बाद फिर 4 चेन बनाएंगे और इस खाली हिस्से में 3 स्टिप चेन का 4 राउंड बनाएंगे, 2 3 4। इसके बाद सिंगल 1 चेन, 3 चेन बनाने के बाद 3 प्लेन चेन, उसके बाद इस चेन में 3 स्टिप चेन का 4 चेन तैयार करेंगे। 2 हुआ, ये तीसरा, ये चौथा। इसके बाद एक सिंगल चेन बनाना है, फिर 4 चेन 3 स्टेप वाला और इसी में डालना है। कुल मिलाकर यहाँ पे 8 चेन बनाना है। इसके बाद फिर 3 प्लेन चेन, उसके बाद इस हिस्से में फिर वही पिछला वाला
थ्री स्टेप चेन का आठ हिस्सा बनाएंगे। चार के बीच में एक चेन डालते हैं ताकि कोना निकल सके। सिंगल जाल डाले चेन, उसके बाद फिर थ्री स्टेप चेन का चार बार, इसी तरह पूरा एक राउंड तैयार कर लेंगे। इसमें फिर चार चेन थ्री स्टेप वाला, फिर सिंगल चेन, उसके बाद फिर थ्री स्टेप चेन। इसको इसके साथ बंद करना है। अब इसके अंदर थ्री स्टेप चेन का तीन राउंड बनाना है। दो और तीन, इसके बाद हर चेन के बीच में एक एक थ्री स्टेप चेन बनाना है। इसके साथ के बाद इसमें, इसके बाद इसका बीच पॉइंट ये हुआ, इस जगह हम दो चेन थ्री स्टेप वाला एक साथ, इसके बाद फिर सिंगल चेन, इसके बाद फिर टू चेन थ्री स्टेप। इसके बाद आगे फिर हर छेद में एक एक थ्री स्टेप चेन बनाते जाना है। इसी तरह पूरा बनाएंगे। इसमें तीन बनाना, एक दो तीन, इसके बाद फिर इसमें इसमें इसमें, फिर यहाँ जाकर दो एक साथ, फिर एक चेन, फिर दो इस कॉर्नर पे। इस तरह का तैयार हुआ। इसके बाद इसको बंद कर लेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह का पीसेस आप डिफरेंट कलर में बना सकते हैं। और इसका आप मफलर तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए।